हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तेल के दाम कम किए जाने पर बोले केजरीवाल, 10 रुपए बढ़ाकर 2.50 रुपए घटाए, ये धोखा है। चुनावों के करीब आते ही केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को 2.50 रुपए कम करने का ऐलान कर दिया। दामों में कटौती की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर 10,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन ये फैसला जनहित के लिए जरूरी है। सरकार के इस कदम पर विपक्षियों ने सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पर 10 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया था और कटौती महज 1.5 रुपए की है। उन्होंने कहा कि केंद्र को तेल के दामों में कम से कम 10 रुपए की कटौती तो करनी ही चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार 12 बार केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद 1.5 रुपया कम करके झूठी वाहवाही लूट रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री बताएंगे कि उन्होंने 52 महीनों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 12 बार इजाफा क्यों किया। इसके साथ ही सुरजेवाला ने सरकार के इस कदम को चुनावों से जोड़ते हुए कहा कि 5 राज्यों में चुनावी हार को सामने देखकर जनता के भयंकर गुस्से से घबराकर मोदी सरकार ने आज चींटी जैसी मात्रा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करने की घोषणा की। मोदी जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते और पेट्रोल डीजल की लूट पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा तेल के दाम कम किए जाने के बाद अब बीजेपी शासित राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ ने भी तेल पर 2.50 रुपए का टैक्स घटाने का ऐलान किया। इसके साथ ही इन चारों राज्यों में पेट्रोल डीजल 5 रुपए सस्ता हो जाएगा। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।